सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स इन हिंदी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। पहली बार मां बनने जा रही महिला के दिमाग में एक सवाल तो रहता ही है कि लेबर पेन यानी प्रसव पीड़ा के शुरू होने पर कैसा महसूस होगा और पता कैसे चलेगा ये लेबर पेन है या नॉर्मल लक्षण। वैसे तो डिलीवरी का सही समय बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन हम आपको लेबर पेन के शुरुआती निशानियां बताने जा रहे हैं, जिसे आपको अनुमान हो जाएगा आपके बच्चे का दुनिया में आने का समय हो गया है। असल में महिला का शरीर बच्चे के जन्म से एक महीने पहले से ही लेबर या प्रसव पीड़ा की प्रक्रिया के लिए खुद को तैयार करने लगता है। जैसे जैसे यह दिन नजदीक आता जाता है, आपको कुछ नए लक्षण पता चलने लगते हैं। पहला लक्षण, प्रसव का समय नजदीक आने पर बच्चे का नीचे सरक जाना। डिलीवरी के कुछ हफ्ते पहले आपकी लाइटनिंग नामक प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है, जिसका मतलब यह होता है कि बच्चा आपकी कोख के निचले हिस्से में पहुंच गया है। आपको अब अपनी छाती की हड्डियों के नीचे काफी कम दबाव महसूस होगा और इससे आपको सांस लेने में भी आसानी होगी। इसके बाद आपको ज्यादा मात्रा में खाना खाने या पानी पीने पर कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत अधिक लाइटनिंग की वजह से गर्भाशय मूत्राशय पर आकर टिक जाती है, जिससे कि महिला को बार बार यूरिन पास करना पड़ता है। दूसरा लक्षण, लेबर संकुचन। इस दौरान पेट कड़ा हो जाता है, साथ ही संकुचन के बीच में गर्भाशय आराम की स्थिति में होता है और पेट नर्म हो जाता है। हर एक गर्भवती महिला में संकुचन का प्रभाव अलग होता है, लेकिन आमतौर पर प्रसव के दौरान होने वाले संकुचन में पीठ और पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, जो कि सभी महिलाओं में समान होता है। वहीं कुछ महिलाओं में संकुचन का एहसास मासिक धर्म में होने वाले ऐंठन की तरह होता है। अगर आपको लगातार दबाव महसूस हो रहा है तो समझ जाए कि ये प्रसव पीड़ा संकेत है। हो सकता है कि आपको हर थोड़ी देर पर ऐसा महसूस हो, या ये भी हो सकता है कि दर्द लगातार बना रहे। साथ ही कुछ खाने और पीने पर भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। तीसरा लक्षण, अगर आपके लेबर के करीब जाने के समय आपकी गर्भाशय ग्रीवा डायलेट होती रहती है, तो आप अपना म्यूकस प्लग निकाल सकती हैं। यह छोटी मात्रा में मौजूद गाढ़ा म्यूकस होता है, जो आपकी गर्भनाल में 9 महीनों से जमता रहता है। यह प्लग एक बार में भी पूरा निकल सकता है, या फिर कई दिनों तक आपके गुप्तांग से थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। इस म्यूकस में भूरे, गुलाबी या लाल खून की मात्रा होती है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि आपका लेबर शुरू होने वाला है। पतला स्राव हो जिसमें खून भी हो सकता है, दरअसल इस दौरान गर्भाशय से डिस्चार्ज आता है, क्योंकि इस दौरान गर्भाशय खुलता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि प्रसव पीड़ा एक घंटे में शुरू हो सकती है, या फिर एक सप्ताह भी लग सकता है। चौथा लक्षण, ज्यादातर महिलाओं में पानी छूटने से पहले सामान्य मरोड़ें उठने लगती हैं, परंतु कुछ स्थितियों में पानी पहले छूटता है। अगर ऐसा होता है तो जल्दी ही लेबर की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। असल लेबर के शुरू होने की गणना करना आसान नहीं है, क्योंकि शुरुआती लेबर की मरोड़ें ब्रैक्सटन हिक्स वाली मरोड़ों जैसी ही होती हैं। कई बार जैसे जैसे असल लेबर की तिथि नजदीक आती रहती है, ब्रैक्सटन हिक्स वाली मरोड़ें और ज्यादा दर्दनाक और हर 10 या 20 मिनट के अंतराल पर होने लगती हैं। पर अगर ये नियमित रूप से नहीं होती तो ये नकली लेबर पेन है। आप मरोड़ों के समय को नियंत्रित करके खुद ही अंतर भी बता सकती हैं। शुरुआत में लेबर की मरोड़ें 10 मिनट के अंतराल पर होती हैं, परंतु आपके कुछ भी कर लेने पर भी ये बंद नहीं होती। समय के साथ ये काफी दर्द भरी और जल्दी जल्दी होने लगती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लंबे समय तक पीठ दर्द हो, लेकिन जब दर्द ज्यादा हो तो समझ लें कि ये प्रसव पीड़ा का संकेत भी हो सकता है। पांचवा लक्षण, हो सकता है प्रसव पीड़ा के शुरुआती दौर में आपको डायरिया की शिकायत हो जाए। इस दौरान आपकी बॉडी कई तरह के हार्मोन रिलीज करती है, इस वजह से बार बार टॉयलेट भी जाना पड़ सकता है। अगर डॉक्टर ने जो डिलीवरी डेट दी है उस तारीख तक लेबर पेन शुरू ना हो तो उसी दिन हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाए। डॉक्टर इंजेक्शंस और दवाइयों की मदद से लेबर पेन शुरू कर देंगे, क्योंकि शिशु के गर्भ में रहने की एक सीमा होती है। अगर उस सीमा के बाद उसका जन्म न करवाया जाए तो बच्चे की गर्भ में मौत हो सकती है। इसलिए डिलीवरी डेट निकल जाने के बाद एक दिन का भी इंतजार मत करें, तुरंत डॉक्टर से मिले। ये कुछ उपाय हैं जिनसे आप घर पर अपने प्रसव पीड़ा की शुरुआत कर सकती हैं। गर्म पानी से नहाएं और आपकी प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो जाएगी।
ध्यान रहे पानी बहुत ज्यादा गर्म न हो क्योंकि इसके कारण आपके बच्चे को तनाव हो सकता है क्योंकि वह आपके शरीर के अंदर है जहां पहले से ही तापमान अधिक होता है। नहाने के इस पानी में आप लेवेंडर तेल की 1-2 बूंदें भी डाल सकते हैं। इससे आपके शरीर को भी आराम मिलेगा तथा आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। साथ हेरन का तेल बहुत अधिक रेचक है तथा कुछ मामलों में यह प्रसव पीड़ा को उत्तेजित कर सकता है। अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसकी कुछ मात्रा 114 मिली संतरे के रस में मिलाकर लें। एरन के तेल की चिकनाई पेट को उत्तेजित करती है जिसके कारण आपका मल पतला हो जाता है जिसके कारण गर्भाशय में संकुचन आना प्रारंभ हो जाते हैं। याद रखें इसकी थोड़ी मात्रा लेने से भी आपको मितली आ सकती है। एरन का तेल केवल पेट खराब करता है, इसके कारण माँ या बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। इस तरह इन लक्षणों को देखकर आप नकली प्रसव पीड़ा और असली प्रसव पीड़ा की पहचान आसानी से खुद कर सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारे आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।